मुंडा पांडे भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुंडा पांडे ब्लॉक की ग्राम पंचायत नियामतपुर एक रोटिया में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। ग्राम प्रधान पति अशोक कुमार ने ग्रामवासियों को बताया कि बजट के आधार पर ग्राम में विकास कार्य किया जा रहा है। आने वाले और 2 वर्षों में ग्राम पंचायत को संपूर्ण विकास से सुसज्जित किया जाएगा। ग्रामीणों ने ब्लॉक अधिकारियों के सम्मुख वृद्धा अवस्था पेंशन, नए राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन की समस्याओं को रखा। टीवी वैन के माध्यम से सरकार की ओर से चल रही योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को दिखाकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में NRLM बाल विकास परियोजना, अलीमा गैस एजेंसी वितरक रोंडा द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत पात्रों को गैस चूल्हा सिलेंडर का वितरण तथा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राशन कार्ड के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने आदि के स्टॉल लगाकर संचालित हो रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में पिछले 2 माह से, आगामी 26 जनवरी को 2 माह पूर्ण होंगे, तब से लगातार निरंतर अपने 16 विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से हमारे जो केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, इन योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे अथवा जिनको नहीं पहुँचा वो आवेदन कर सकें, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही निमित्त है, जिसके माध्यम से हम सब लोग काम कर रहे हैं और जनता तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं। और आपने देखा होगा, जब हम जनता से बात करते हैं, लाभार्थियों से बात करते हैं, जनता उससे संतुष्ट दिखा द्वारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लक्ष्य दिया है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में ये यात्राएं विकसित संकल्प यात्रा के रूप में गांव-गांव जा रही हैं और भारत के हर गांव में, हर जनपद में ये गई हैं। और इससे एक गारंटी है, मोदी गारंटी, कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो ग्रामीण स्तर पर, जिनकी जानकारी महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को भी नहीं हो पाती हैं, ये इसके माध्यम से सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी विशेष आयु के लोगों को इसकी जानकारियां घर बैठे ग्रामीण स्तर पर भी हो रही हैं और लाभान्वित भी उन्हें किया जा रहा है। क्या क्या संदेश दिया जा रहा है और योजनाओं के बारे में किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, अगर देखा जाए तो? पूरा प्रशासन लगा हुआ है, हर विभाग के विभागाध्यक्ष लगे हुए हैं और सभी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जो महिलाओं को और बच्चों को जो जो लाभ उन्हें मिल रहा है, आयुष्मान भारत का, आयुष्मान कार्ड का लाभ है। आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इस गांव में आई, पूरे देश में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का संकल्प है कि हमारी योजनाओं से 100% लोग संतृप्त हों, सभी योजनाओं से सभी लोगों को लाभ, कोई वंचित ना रहे। तो जो लोग शेष रह गए हैं, जो जुड़ नहीं पाए हैं, उनको जोड़ने का अवसर है। जिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, उनको लाभ दिलाने के लिए यात्रा आई है। और जो नया फार्म भरना चाहते हैं, नया रजिस्ट्रेशन बनना चाहते हैं, मान लो किसी योजना से आयुष्मान कार्ड योजना, किसी का कार्ड नहीं बना, वो बनवा सकते हैं। पीएम किसान योजना कोई त्रुटि है, उनके खाते में धनराशि नहीं आ रही है, वो त्रुटि को दूर कर सकते हैं। तो सरकार गाँव के द्वार गाँव में चलकर आई है। ये गाँव के लोगों का भी सौभाग्य है, सभी लोगों का सौभाग्य है कि इस प्रकार की कार्य योजना जो प्रधानमंत्री ने बनाई है, वो पहली बार देश में हुई है। नहीं तो कभी नहीं देखा होगा कि सरकार गांव में आए, लोगों के बीच में आए और अपनी योजनाओं की गारंटी दे। गारंटी का मतलब क्या है? मोदी बहन की गारंटी का मतलब है कि हम देश में कोई घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके मकान बना के नहीं देंगे, जिसका अपना मकान नहीं है, जिसका मिट्टी का घर है, छप्पर का घर है, पिंडी का घर है। तथा गर्भवती महिलाओं को गोद भराई की व पुष्ट आहार भेंट किया गया। जल जीवन मिशन की जानकारी दी गई। ग्राम प्रधान पति अवनीश चौहान द्वारा लाभार्थियों को घरौनी वितरण की गई। इस कार्यक्रम में MLC गोपाल अंजान, MLC सतपाल सिंह सैनी, ठाकुर रामवीर सिंह, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा 29 कुंदर की ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव, BDO अमर सिंह, ग्राम प्रधान अशोक, विनोद कुमार, ADO भूपेंद्र कश्यप, सचिव कपिल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। उसमें लगभग सभी विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आए थे। सबने अपने काम के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों की समस्याओं को सुना
और उनके समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। और MLC श्री सतपाल सिंह जी आए थे और MLC श्री गोपाल अंजान जी आए थे कार्यक्रम में, और माननीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रचार वाहन था विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन वो आया था, उसमें प्रचार हुआ था और सभी ग्रामवासी बहुत सही तरीके से इसमें इकट्ठे हुए। लगभग 5 महिलाओं की गोद भराई करी गई थी और आयुष्मान कार्ड बांटे गए थे और घरौनी बांटी गई है, जो सरकार द्वारा सुविधाएं जनता के लिए मिलनी चाहिए वो सबकी पूरी कोशिश रही यहाँ पे। मतलब वो जो है